लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है, लेकिन सपा मुखिया ने अभी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मंगलवार को उन्होंने आगामी चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी, लेकिन इस सूची से सपा के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश के चाचा शिवपाल का नाम ही गायब था, जबकि पत्नी डिंपल यादव और रामगोपाल यादव के बेटे का नाम उस लिस्ट में था। शिवपाल का नाम लिस्ट से गायब होने पर तरह तरह के सवाल उठने लगे। सवाल उठाने वाला भी विपक्ष है, सवाल भी ऐसे कि जैसे समाजवादी पार्टी में फिर से फूट पड़ गई हो। कहीं चाचा भतीजे में अनबन तो नहीं हो गई? लिस्ट में नाम गायब होना सैफई परिवार में नाराजगी की वजह तो नहीं? कहीं फिर से 2019 जैसा माहौल तो नहीं बन रहा? क्या नाराजगी के कारण बीजेपी में जाने वाले हैं चाचा शिवपाल? दरअसल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने शिवपाल को लेकर एक्स पर एक बयान दिया, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। उन्होंने कहा, चाचा श्री शिवपाल यादव जी के साथ फिर खेला सपा ने कर दिया है, अब चाचा भाजपा में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। पिता ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश पर तंग कसते ही थे, लेकिन अब उनके बेटे भी उनकी कसर पूरी कर रहे हैं। फिलहाल सपा में किसी तरह के दरार की कोई खबर नहीं है। हालांकि सूत्रों से खबर ये आई है कि अखिलेश चाचा शिवपाल को आजमगढ़ से टिकट दे सकते हैं, और अगर नहीं भी दिया तो उनका इस्तेमाल पार्टी को जिताने के मिशन में किया जाएगा, क्योंकि शिवपाल पर अखिलेश को पूरा भरोसा है।